दांत निकालने के काम करे। इसका क्या काम, दांत निकाल सकते हैं आज। तो अब हम जा रहे हैं एनिवर्सरी का डिनर करने बाहर, तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं हाई स्ट्रीट मॉल और आज का डिनर यहीं पर होने वाला है दोस्तों। शिवेश के पापा ने बोला रोज रोज घर का खा के बोर हो जाते हैं, मैंने कहा चलो मुझे भी आराम मिल जाएगा, तो हम निकल पड़े हैं हाई स्ट्रीट मॉल और आज यहीं पर खाना खाएंगे दोनों भाई बहन एक जैसे, और मैं पीछे पीछे भाग रही हूँ उनके फ़ोन लेके। और आज हम जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन में, मैं पहली बार जा रही हूँ दोस्तों क्योंकि मैं आज तक नहीं गई हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर आज कैसा रहता है हमारा डिनर, और जाते ही मुझे ये मिल गया। और मैं हंस हंस के हो गई थी पागल, फिर देखा मैंने टेबल में ही आग लगने लगी, तो ये देखो। फिर खाते खाते हम तो भाई थक गए थे, इतनी सारी चीज़ें स्टार्टर में मिल गई, सच बोलूँ तो स्टार्टर से ही हम थक गए थे, पता नहीं कौन लोग खा पाते होंगे। और यहाँ पर बतासे भी थे, शिवेश ने बतासे का मज़ा लिया, और बच्चों के लिए ना काफ़ी कुछ था, बच्चे खुश हो जा रहे थे। और सच कहें तो हम ना खाना तो खा ही नहीं पाए, स्टार्टर में ही पेट ऐसा भर गया। और ये देखिए कैंडी वगैरह, पेस्ट्री, और ये देखिए फ्रेंच राइस वगैरह सब कुछ मिल रहा था, खा खा के ना पेट फटने को तैयार हो गया था। यहाँ पे ना उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो एकदम खाने में ना भुक्कड़ और भैंस है, जो टूट पड़े। हम तो खा ही नहीं पाए, पर हमने मंगाया ज़रूर, लेकिन हम मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा उसके बाद, क्योंकि पेट हो गया था एकदम फुल, और खा खा के ना पेट फटने को तैयार हो गया था। और दरअसल मेरा देखो पाउडर क्रीम सब निकालने में धुली हुई थी, मैंने कहा रहने दे बेटा मत कर, नहीं तो लोग पहचानेंगे भी कि मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद आ गया मोई, तो दोस्तों पेट भर गया था, लेकिन मोई तो पीने के लिए जगह बचा रखी थी हमने। फिर ये पिया, और दरसा भी देखी जीभ निकाल ली कि मुझे भी पीना है, बहुत ठंडा था, पर दरसू ने भी पिया। उसके बाद बस छोटा सा सेलिब्रेशन किया। बस छोटा सा सेलिब्रेशन करके मैं चल पड़ी अपने बच्चे को लेकर घर की तरफ, और ये रहे मेरे दोनों बच्चे, देखो सेम सेम बट टिकले बने हुए हैं। और ये रहा ब्यूटीफुल सा बाहर निकलते हुए व्यू, वॉचमैन भैया को करा बाय बाय। उसके बाद हम निकल गए अपनी सड़कों पर, और इतनी मस्त हवा आ रही थी ना खिड़की से बाहर, मैंने कहा काश ये हमारे पास खिड़की से बाहर निकलने वाला होता। तो हम आ गए हैं घर, और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया, केक हम घर लेके आ गए हैं, तो हैप्पी एनिवर्सरी बोल दो सब हमें। समझ गए तो समझ जाओ, हैप्पी।